सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग और आज हम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर एट ये केमिस्ट्री क्लास टूवेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आता है और ये जेई के भी सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग सीरियसली पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव मतलब इसको पढ़ने के बाद तो हम लोग क्या क्या जान पाएंगे तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू लर्न द पोजिशंस ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द प्रोडिक टेबल नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन डी ब्लॉक एंड इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये दो चीज़ मतलब कि पोजीशन जान पाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जान पाएंगे फिर एप्रीशिएट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ उनके स्टेबिलिटी देख पाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के डिस्क्राइब द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर्स एंड यूज़ेस ऑफ़ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हम लोग ये सब भी देख पाएंगे कि क्या क्या है इनके यूजेज और इनके स्ट्रक्चर इनके प्रॉपर्टी वगैरह अंडरस्टैंड The general characteristics of the D and F block elements and the general horizontal and group tens in them. Unke characteristics describe the properties of the F block elements and give a comparative account of the lan lanthanoids and actinoids with respect to their electronic configurations, oxidation states and chemical behavior. मतलब कि हम लोग उसके लेंथ ये सब के बारे में भी देख पाएंगे बहुत चीज़ें देख पाएंगे तो चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ये पिंक लाइन में क्या दिया जाएगा पढ़ लें आयरन कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर अमॉन्ग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डेट हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स सच एज थैलियम पैलेडियम एंड यूरेनियम आर प्रूविंग एक्सेलेंट सोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स ओके तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं द डी ब्लॉक ऑफ द प्रोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स थ्री टू ट्वेल्व इन विच द डीप ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन ईच ऑफ द फोर लॉन्ग पीरियड्स मतलब कि जो डी ब्लॉक है प्रोडिक टेबल का उस वो तीन से बारह के ग्रुप के बीच में है मतलब कि तीसरा चौथा पाँचवा ऐसे करके बारहवा ग्रुप तक जा रहा है इन विच द ड्रीम ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड मतलब उसको फिर फिल भी करते हैं ऐसे डी वन डी टू ऐसे करके फोर लॉन्ग पीरियड्स चार लॉन्ग पीरियड में डिवाइडेड है द एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द एफ ब्लॉक आर दोज इन विच द फोर एफ एंड फाइव एफ ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड मतलब उसमें फोर एफ वन फोर एफ टू ऐसे भरते हैं और फाइव एफ वन फाइव एफ टू ऐसे भरते हैं इन लेटर टू लॉन्ग पीरियड्स और दो लंबे पीरियड है उनके दीज एलिमेंट्स आर फॉर्मल मेम्बर ऑफ ग्रुप थ्री ये सब ग्रुप ग्रूप थ्री के फॉर्मल मेंबर फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन आउट टू फॉर्म अ सेपरेट एफ ब्लॉक इन द टेबल द नेम्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफ इन यूज टू रेफर टू द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक रेस्पेक्टिवली मतलब कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन हम मेटल हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को बोलते हैं मतलब डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और जहाँ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स बोला जा रहा है उसको हम लोग एफ ब्लॉक्स बोलेंगे देर आर मेनली थ्री सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज एंड फाइव डी सीरीज द फोर्थ सिक्स डी सीरीज विच बिगिन विध ए सी इज स्टिल इनकम्प्लीट The two series of the inner transition metals four f and five F are known as lanthanoids and actinoids respectively. Strictly speaking, a transition element is defined as the one which has a both important line Thus strictly strictly speaking, a transition element is defined as the one which has कम इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट मतलब कि हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलेंगे ट्रांजिशन और डी ब्लॉक में अंतर है ट्रांजिशन उसको बोलेंगे उस डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट को बोलेंगे जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है जैसे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ऑफ ग्रुप ट्वेल्व है फुल मतलब जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी जो ग्रुप बारह के हैं हैव फुल डी टन कन्फिग्रेशन इनके पास पूरा है मतलब इनके डी ऑर्बिटल में पूरा फील्ड है इसीलिए इनको ट्रांजिशन में नहीं बोलेंगे तो हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं है लेकिन हर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक है ओके ये समझ गए होंगे आप लोग मतलब कि डी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा ये बहुत बारे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन इम्पॉर्टेंट हैल इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड हैंड्स आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेडल्स हाउ एवर बींग दम्बर्स ऑफ द थ्री ट्रांजिशन सीरीज देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेकिन ये अब इनके तीनों के साथ आते तो इनका अलग से क्यों स्टडी करें इसीलिए इन सब का स्टडी भी ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही हम लोग कर लेते हैं द प्रेजेंस ऑफ पार्टली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स इन देयर एटम्स सेट्स द स्टडी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स हाउ एवर द यूजल थ्योरी ऑफ वैलेंस एज एप्लीकेबल टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स कैन ऑल्सो भी अप्लाइड सक्सेसफुली टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और जो वैलेंस थ्योरी है उसको हम लोग मेन ग्रुप पे लगाते हैं जैसे वन टू थ्री थर्टीन ये सब पे लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे भी लगा सकते हैं वेरियस प्रीसियस मेटल्स सच एज सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम एंड इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन कापर एंड टाइटेनियम फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स मतलब ये सब जो वेरियस प्रीशियस मेटल है जैसे सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट आयरन कॉपर टाइटेनियम जिंक ये सब जिंक नहीं निक्कल ये सब ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं इन दिस यूनिट बिसाइड्स इंट्रोडक्शन वी सेल फर्स्ट डील विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे अकरेंस एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद स्पेशल इन ऑन द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो थ्री डी ट्रांजिशन मेटल्स एंड द प्रिपेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड तो दिस विल बी फॉलोड बाई कंसिडरेशन ऑफ सर्टन जनरल एस्पेक्ट सच एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रेक्टिविटी ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स मतलब अभी हम लोग कुछ मेटल्स के हम लोग बारे में भी पढ़ने वाले हैं उनके कन्फिग्रेशन प्रॉपर्टी प्रिप्रेशन ये सब पोजिशन बहुत सारे चीज चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं ये करके द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक तो पोजिशन इन द पीरियडिक टेबल इसके पोजिशन क्या है पहले हम लोग डी ब्लॉक से पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक का पोजिशन क्या है प्रोडिक टेबल में इधर दिया हुआ है द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन फ्लैंक्ड बाई एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियडिक टेबल मतलब कि एस और पी के बीच में आते हैं डी ब्लॉक वही दिया द वेरी नेम ट्रांजिशन गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके जो नाम हैं ट्रांजिशन वो इसलिए दिया गया क्योंकि वो एस और पी के बीच में ही आते हैं इसीलिए द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल इन देयर आइटम्स रिसीव एलेक्ट्रॉन्ग रू थ्री रोज ऑफ़ द ट्रांजिशन मेटल्स डेट इज़ थ्री डी फोर डी एंड फाइव डी द फोर्थ रो ऑफ सिक्स डी इज स्टिल इनकम्प्लीट दीज सीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शोन इन टेबल एट पॉइंट वन तो टेबल एट पॉइंट वन देख लें तो इसमें दिया हुआ पूरा सीरीज फोर एस थ्री थ्री डी फर्स्ट सीरीज है ये ये है सेकेंड सीरीज फाइव एस फोर डी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दिया मतलब कैसे फील्ड होता है फिर सिक्स इसको हम लोग बढ़िया से आगे देखेंगे पहले हम लोग ऊपर का थ्योरी पढ़ लें तो इसमें दिया क्या था डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल इन दर एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल मतलब वही सबसे लास्ट एनर्जी लेवल जैसे इसमें थ्री डी फोर डी मतलब डी ऑर्बिटल के बारे में बात हो रहा है उस एनर्जी लेवल के बाद बारे में बात हो रहा है तो चलिए आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है देखते हैं इन द जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिज एलिमेंट्स इज़ एन माइनस वन डी वन टू टेन मतलब कि इसका एन माइनस वन क्वांटम नंबर हो जाएगा एन माइनस वन मतलब एन होता है यहाँ पे पीरियड नंबर तो पीरियड में से एक माइनस कर देंगे वो और एन एस वन या टू मतलब एस में दो इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है और डी में दस इलेक्ट्रॉन The n-1 stands for the inner d orbitals which may have 1 to 10 electrons, and the outermost ns orbital may have 1 or 2 electrons. However, this generalization has several exceptions because of very little energy difference between n-1d and ns orbitals. इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हम लोग देखेंगे आगे फर्दर मोर हाफ एंड कम्प्लीटली फिल्ड सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल और फर्दर एक्सेप्शन इसलिए आते हैं क्योंकि हाफ और कंप्लीटली फिल्ड सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस फैक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इन थ्री डी सीरीज़ थ्री डी सीरीज़ में क्रोमियम कॉपर में पाए जाते हैं consider the केस ऑफ क्रोमियम फॉर example which हैज़ 3d5 4s1 instead of 3d4 4s2 ऑफ ऐसा इसलिए क्योंकि d में हम लोग टोटल टेन भर पाते हैं लेकिन अगर d में फाइव भरा हुआ है तो इसको हम लोग पार्शियली फील्ड बोलते हैं जो जो ये और एक d4 इसका होना चाहिए था तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये होता है इसीलिए d5 हम लोग लेते हैं द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट्स थ्री डी एंड फोर एस ऑफ ऑर्बिटल्स इज़ स्मॉल इनफ टू प्रिट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द थ्री डी ऑर्बिटल मतलब कि इसके एनर्जी गैप इतने छोटे हैं इलेक्ट्रॉन को प्रिवेंट करता है थ्री डी में आने से सिमिलरली इन केस ऑफ सी यू द कन्फिग्रेशन इज थ्री डी टेन फोर एस वन एंड नॉट थ्री डी नाइन फोर एस टू क्योंकि यहाँ पर थ्री डी टेन है और फुल्ली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं थ्री डी नाइन से स्टेबल ज़्यादा होगा थ्री डी टेन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक configurations ऑफ़ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स are इन टेबल Table पॉइंट point one। हम लोग टेबल eight point one अच्छे से स्टडी करते हैं तो फर्स्ट सीरीज इसका है क्या स्कैंडियम टाइटेनियम Vanadium, जिंक तक अब एक एक करके देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर twenty one, twenty two ऐसे है तो इसका अगर पूरा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अभी देखना पड़ेगा दो दो चार छः दस इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इक्कीस इलेक्ट्रॉन और हैं तो हो जाएगा फिर थ्री एस टू थ्री पी सिक्स अठारह इलेक्ट्रॉन और होगा अब आ जाएगा थ्री डी वन और फिर फोर एस टू लेकिन यहाँ पे थ्री डी वन पहले नहीं लिखते हैं यहाँ पे पहले लिखते हैं फोर एस फोर एस टू और फिर लिखते हैं थ्री डी वन तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग अगर पूरा लिखें तो ये आता है लेकिन लास्ट का जो दो है जो लास्ट ऑर्बिटल्स है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है फोर में दो इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम में भी वैनेडियम में भी क्रोमियम में एक ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका ऊपर कारण दिया था पार्शियली फील्ड हाफ फील्ड ये सब और मैग्नीशियम में वापस दो 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 क्रॉपर में वापस एक्सेप्शन और फिर जिंक और थ्री में हमेशा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे फोर यहाँ पे नहीं आया क्योंकि एक्सेप्शन के कारण सिक्स सेवन एट नाइन आता लेकिन एक्सन के कारण टेन आया फिर टेन तो उसमें दस इलेक्ट्रॉन भर सकते तो आसान था अगला में भी कुछ ऐसा ही होगा कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ है नहीं बस पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखना आना चाहिए जैसे कि वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ऐसे वाला और ये ऑर्डर याद करना आसान है वन एस टू टू एस टू आप लोग ने देखा ही होगा ट्रिक वन एस टू एस थ्री एस और फिर इधर लिखते हैं टू पी थ्री पी और इधर लिखते हैं थ्री डी और ऐसे करके हम लोग फील करते जाते हैं ये आपको आपने तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ये ट्रिक मैं बहुत श्योर बोल सकता हूँ क्योंकि ये हर केमिस्ट्री वाले बच्चे को आता है और अगला टेबल भी आसान है आप लोग खुद भी एनालाइज़ कर सकते हैं क्या है देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे एस में दो दो यहाँ पे एक 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 यहाँ पे जीरो जीरो यहाँ पे आया होगा इस दस के कारण जो एक्सेप्शन है पार्शियली और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट तो अब हमेशा पार्शियली और फुल फील्ड हम लोग देखेंगे कि पार्शियली फील्ड कहाँ हो रहा है फुलफील्ड कहाँ हो रहा है और एक्सेप्शन को याद ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और वैसे ही यहाँ पर थर्ड सीरीज़ में और फोर्थ सीरीज़ में है ऐसा ऐसा तो अपने से भी आप लोग एक बार टेबल देख सकते कुछ बड़ा चीज़ है नहीं अब आगे बढ़ते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक कैडमियम एंड एच जी और इन टेबल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं सेकेंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फर्स्ट ही सीरीज था और सेकेंड सीरीज़ में कुछ कुछ एक्सेप्शन बाकी थर्ड और फोर्थ सीरीज उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं तो उनको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ़ जिंक कैडमियम एच जी आर रिप्रेजेंटेड बाई द जनरल फार्मूला एन माइनस वन डी टेन एन एस टू दर्बिटल्स इन दीज एलिमेंट्स आर completely filled in the ground state as well as in their common oxidation states. therefore they are not regarded as बताइए एन सी आर टी में ऐसा देखने को मिलेगा नहीं कभी भी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वो एक ही बात को दो जगह लिख दे और दो जगह लिख दिया मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ शुरू में बहुत डिटेल में लिखा था और यहाँ पर फिर से वैसे ही लिख रहा है डिटेल में इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ में आना चाहिए और ये क्या कहना चाह रहा है मतलब कि इनका फुलफिल था ऑर्बिटल इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोजेक्ट टू द पेरीफेरी ऑफ द एन ऐटम द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोजेक्ट टू द पेरीफेरी ऑफ एन एटम मोर देन द अदर ऑर्बिटल्स दैट इज़ एस एंड पी हैंस दे आर मोर इन्फ्लुएंस बाय द सराउंडिंग्स एज वेल एज एफेक्टिंग द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सराउंड मतलब बोल रहा है कि डी ऑर्बिटल्स का जो एलिमेंट्स है वो पेरी फेरी पर पे ज़्यादा आता है मतलब ऐटम्स जो हैं एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए वो रिएक्ट ज़्यादा करते हैं मतलब वो आइसोलेट आसानी से हो पाएगा मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जा और निकल आसानी से पाएगा यही बोलना चाह रहा है इन सम रिस्पेक्ट्स आयंस ऑफ अ गिवेंट डी एंड कन्फिग्रेशन एन जो है वन से नाइन हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ विथ पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल्स डीज एलिमेंट्स एक्जिबिश सर्टन कैरेक्ट्रिस्टिक प्रॉपर्टीज सच है डिस्प्ले ऑफ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेलिटी ऑफ कलर एंड एंटरिंग इन टू कम्प्लेक्स फॉर्मेशन विदराटी ऑफ लिंक एंडस कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ खास यहाँ पे बताया नहीं खाली बोला कि सिमिलर होता है ये होता है प्रॉपर्टीज ये सब ये सब कुछ कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में

उस समय से खाली ये करते हैं वो करते हैं ये प्रॉपर्टी लेकिन डेप्थ में भी नहीं घुसा अभी चलिए आगे पढ़ते जाते हैं देर आर ग्रेटर हॉरीजोंटल सिमिलैरिटीज़ इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन कॉन्ट्रेस्ट टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स मतलब देर आर ग्रेटर हॉरीजोंटल सिमिलैरिटीज हॉरिजोनटल मतलब कि ये जो एक ग्रुप में जो स्कैंडियम टाइटेनियम ट्यमियम हॉरिजेंटली थे उनमें ज़्यादा सिमिलर है प्रॉपर्टीज जैसे कि डी ब्लॉक में एस और पी के कंपैरिजन में डी में ये ज़्यादा है सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से हाव एवर सम ग्रुप सिमिलैरिटीज़ ऑल्सो एग्जिस्ट और कुछ कुछ ग्रुप सिमिलैरिटीज़ भी हैं जैसे कि अगर इसका ग्रुप शुरू होता है थ्री से लेकर ट्वेल्व तक तो बीच में कुछ कुछ ग्रुप हैं ऐसे दो तीन जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं वी शैल फर्स्टली स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ट्रेंड्स हम लोग पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उनके ट्रेंड्स इन द हॉरिजॉन्टल रोज हॉरिजॉन्टल रोज में पर्टिकुलरली थ्री डी रो थ्री डी रो एंड देन कंसिडर सम ग्रुप सिमिलैरिटी और फिर ग्रुप पढ़ेंगे सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस पार्ट के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं नेक्स्ट क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा और बहुत और बहुत डेप्थ में हम लोग समझेंगे कि ये है क्या तो वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके दूसरे दोस्त भी मदद ले पाएँ थैंक यू मिलते हैं अगले पार्ट में बाय